सवाल इस तरीके का, आव्यूह में आव्यूह विधि से हल कीजिए, उसमें एक दो तीन टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। और ये टाइप कुछ नहीं है, बस सवाल को देने का तरीका है उसका। कभी इस तरीके से देता है, सिंपल होगा तो इस तरीके से देगा, थोड़ा हार्ड बनाएगा तो इस तरीके से देगा, और ज्यादा हार्ड बनाएगा तो इस तरीके का देगा। समझ रहे? इसमें क्या है, सबसे पहले सिंपल से देखो, यहां से हमें एक आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है? आव्यूह। तो आव्यूह देखिएगा कैसे बनेगा। एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे कितना है? तीन। ए माइनस तीन, माइनस तीन। इधर कितना है? पांच। इधर तीन। इधर माइनस दो। इधर माइनस चार। इधर वन। कुछ नहीं है तो वन। वन वन। इधर वन वन। इधर माइनस टू। बन गया, इतना बनाना है। चार एक इधर वाला, ग्यारह माइनस पांच, कितना दो लिख देता है। तीन वाई का कितना, जेड का कितना, इधर समझ आई बात। अब ऊपर वाले को देखो, जरा ऊपर वाले को ये समीकरण जो y आ रहा है ना, तो इन तीनों समीकरणों को थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। x y z बराबर 6, ये देखिएगा यहाँ पे x नहीं है तो जीरो है। चलो इसको तुम्हारा बोलो, कोई बात नहीं, तो x नहीं है तो y z 3 z यहाँ पे देखिए, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस के टू वाई प्लस के जेड बराबर जीरो। समझ में बात नहीं आई? ये वाला जो टू वाई था, इसको हम किधर ले आए? इधर ले आए, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस। एक्स ये रहा, जेड ये रहा, वाई को वाई की जगह पर रख दिया बीच में, एक्स वाई जेड। समझ में बात, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो। अब यहाँ से आव्यूह कैसे बनेगा, एक इतना समझ में आ गई बस, यहाँ तक समझ में आ गया तो आधा तुमने सवाल कर लिया। इसके बाद तो श्री राधे को तो करना नहीं है ना, समझ गए ना, समझ गए। पहला जब हम आज के साथ में पढ़ते आए तो हम पूछते बोर्ड का पेपर होता है, वो कहता बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड लगे जाना पड़ता है, वो बोर्ड का पेपर होंगे। हां इधर देखो, क्या करेंगे सबसे पहले हमें, अभी वहां भी होगा, अभी ठीक है क्वेश्चन ए, चलो ये बना लो, कोई कैसे बनाओगे, वन 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 जीरो जीरो वन और वाई का वन जेड का थ्री। अब देखो यहाँ पर एक्स का कितना है वन, वाई का कितना, वाई इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस के दो हो जाएंगे, समझ आई बात, हाँ माइनस के दो, और जेड का वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स बराबर बनाओगे, एक्स बराबर क्या, छह ग्यारह ग्यारह
जीरो क्यों आ गई? क्योंकि ये इधर चला गया, कुछ नहीं बचा, जीरो, ठीक है। बस इसी, अब इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है कि आपका ये जो वाई जेड, अब ठीक है समझा जी, क्या मानेंगे? ए बराबर ये, बी बराबर ये, एक्स बराबर ये, समझ में आई बात? अब हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट रखेंगे कि भाई हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो आयु है इस तरीके से लिख रहे हैं कि a इंटू एक्स बराबर b, इस तरीके से लिख लिया हमने, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है हमें। तो मतलब क्या, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, समझे? क्यों? क्योंकि भाई a x बराबर b है तो x बराबर क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा, a नीचे चला जाएगा भाई, ऐसा समझो a x बराबर b है, x बराबर क्या हो जाएगा, b बटे a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस a इंटू b, समझ में आई बात नहीं आई? तो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या चाहिए, x की जगह पे तो x y z आ जाएगा, यहां पर b की वैल्यू है आपके पास में, बस रही किसकी वैल्यू, a इनवर्स की, और a दे रखा है तो a इनवर्स निकालना, तो अभी मैंने बताया था इस चीज के इनवर्स निकालना, तो वही चीज बन गई ना, बन गई सवाल में कोई चीज, बस a इनवर्स निकालोगे यहां पर रखोगे और फिर आगे के दो स्टेप और बनाने, तो उसमें दो दिमाग में डाल लो क्या बनाना है, सबसे पहले एक आव्यूह बनाना है, आव्यूह बनाने के बाद में इनवर्स निकालना, जो चीज हम जानते हैं वही काम करना है, आव्यूह बना के और इनवर्स निकालने वाले में क्या होता है, आव्यूह पहले से दिया हुआ होता है, यहाँ पे क्या है आव्यूह बनाना है और फिर सॉल्व करना है, कुछ अंतर आया, यही है, बस एक ही चीज से जुड़ गई ना सारी चीजें, अब वही काम करना है आपको, क्या करना है, क्या करना है, ए इनवर्स निकाल, वही चीज है क्या, सबसे पहले क्या निकालोगे, पहले निकालना है ए का मैट्रिक्स, भूल गए कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे, पहले पहला रो पहला कॉलम ले लो, 1 1 3 1 3 -2 1 -2 1, फिर ये माइनस का 1 कितना, 0 3 0 3 1 1 0 3 1 1, प्लस का ये वाला प्लस का लिया जाता है, जीरो को जब ध्यान से, ठीक है ना, कोई दिक्कत आए तो समझ आ रही कुछ, जी सर, 0 1 0 1 1 -2, ठीक है, चलो वन तो खत्म है कहानी, दो एक 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 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 6 माइनस का 1, तो चलो इसको लिख दे रहे हैं, तुम्हारा बोले माइनस का 0 -3, अब ये माइनस होती 0 -1, सही नहीं बात नहीं है, चलो भाई कितना आएगा, 9 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
ग्यारह बारह निकालेंगे। हाँ वही चीज, क्या ए ग्यारह वन प्लस वन, इन चीजों का ध्यान रखना है, तुम्हें यहीं पर भूल जाते हो। देखो ये ग्यारह, देखो इधर एक बार देखो, पहली रो पहला कॉलम कितना बचा, वन थ्री माइनस टू वन, वन थ्री माइनस टू वन कितना आ जाएगा, ये तो समय है, पहले इसी को चेक कर लो, समय है ना, चिन्ह नहीं बदलेगा, चलेगा। एक एकम एक, दो दिए प्लस के छह, कितना आ गया बारह, क्या ए बारह पहली, दूसरा कॉलम
0311 03 समझ में आ रही बात? अब तो सीख गए, मैं भी अब तो फ्लो में आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। चलो ये माइनस का आएगा, एक की जीरो में मल्टीप्लाई जीरो माइनस तीन कितना हो जाएगा? कितना? चलो माइनस वन आ रहा है। 1 3 कितना? 0 1 माइनस 2 कितना आएगा? चलो माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 माइनस 1 कितना आ गया? सही बात नहीं है, 3 और 1 4 ये तो सम संख्या है, क्लियर है? चलिए अब क्या निकालेंगे? तो अपन निकल गया था बस मैट्रिक्स। हाँ दो दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम 1 1 ठीक है? यस सर। ना समझ में आ रहा है? अपडेट कर रहा है अपडेट कर रहा है ठीक है? 2 प्लस 2 ठीक है? और वहां जाओ यार, देखा लिख दिया मैंने 22 दूसरा 1 1 1 1 दूसरा तीसरा 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 समझ में? ये कितना हो जाएगा? ये चिन्ह बदलेगा और इस पर चिन्ह नहीं बदलेगा और इस पर चिन्ह बदलेगा, समझ में बात नहीं आई? 3 और 2 5 इस पर चिन्ह बदलेगा, 4 कुछ नहीं बदलेगा इस पर बदलेगा, कितना? 1 1 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 1 1 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, तो 1 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 कितना आएगा? यानी कि देखिए माइनस माइनस के 3 1 माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा? चलो अब इकतीस मतलब 3 1 1 1 3 32 3 2 1 0 1 1 1 0 1 3 3 2 1 3 1 0 ठीक है? और अबे 1 0 ये क्या था? ठीक है 1 0 ठीक है 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम तीसरी 1 1 1 1 0 1 चलो सॉल्व करो, ये चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? 3 1 3 माइनस 1 यानी कि 2 चिन्ह बदलेगा बिल्कुल बदलेगा, 3 1 3 माइनस 0 कितना? 1 1 1 यानी चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? 1 माइनस 0 यानी 0 ठीक है? ठीक है आओ ओके एड जॉइंट ए चलो ए ए ए ए बी जे और ए कितना? 11 12 13 कहां 11 12 13 11 12 13 7 3 -1 और आगे -3 0 3 आगे -3 0 3 2 -3 1 आगे बनाओ माइनस नहीं आगे बनाओ ना ऐसे बनाओ बस लिखट दिया वो ठीक है। आओ ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स बराबर 1/mod A / adjoint यानी कि 1/9 7 3 माइनस है 2 2 -3 1 ठीक है भैया? 9 यहाँ बड़ा वो करना आपका समझ में आई बात?
अब नौ का भाग करना है सुपर पोजीशन है फिर करेंगे स्क्रीनशॉट ले जा मैं तो वीडियो बना दूंगा पूरी वीडियो ऐसा है ना इसमें अब भाग कर दूंगा मैं फिर मेरे को गुणा भी करनी है तुम्हें बट्टे में आएगी गुणा इसलिए पहले गुणा करके फिर बाद में भाग करा बात देखिए सुनो भाई मैं कह रहा हूँ ये है एक बट्टे नौ गुणा इसमें भाग करूंगा सात की और गुणा करूंगा चार की तो सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस बट्टे नौ कर दू या अब सात में भाग करके नौ का फिर गुणा कर चार की बात तो वही आ रही है लेकिन मेरा वहां पे क्या है कि ये जब सब में भाग कर दूंगा तो गुणा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी इसीलिए पहले मैं गुणा करूंगा वहां के बाद में भाग करूंगा तो इजी हो जाए समझ आई बात चलो यहां तक समझ में आ गया यहां के बाद चलते हैं आगे बिटा दें मैं क्या चाहिए था याद है बोले मैं जीवन पे कहाँ है पता नहीं वो कैसे लग रही है अभी मुंह पर आम दिमाग देखो भाई हमें चाहिए था ये क्या था x बराबर a इनवर्स b यही था ना yes. तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है एक बट्टे नौ सात माइनस तीन दो तीन जीरो माइनस तीन और माइनस वन तीन वन और b की वैल्यू कितनी थी छीरो याद है ना ठीक है अब हम क्या करेंगे देखो हमने क्या बताई थी यदि यहाँ की हम मल्टीप्लाई कर देते तो इन तीनों की हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना इसीलिए अब हम क्या है बहुत प्यार से पहले इसमें भाग करेंगे गुणा कर लेंगे उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है देखो मतलब भाग करेंगे इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कैसे हो देखो ये ऐसे इसमें ऐसे चलते हैं समझाई बात इन तीनों को उठाएंगे ऐसे कर दो इस तीर को ये तीर ऐसा है ना इस तीर को इस तीर पर मिलाओ कैसे मिलाओगे इन तीनों को उठा के ऐसे करना पड़ेगा है ना तो ये छह ग्यारह जीरो है और इन तीनों को हम उठा के ऐसे करेंगे तो छह के पास में सात आएगा ग्यारह के पास में माइनस तीन आएगा और जीरो के पास में कितना दो है ना तो इनको लो छह सत्ते प्लस ग्यारह दिया माइनस के तेतीस अब इन तीनों को उठाओ इसमें उठाओ कर दो ऐसे छह प्लस तैतीस जीरो जीरो कितना आएगा बयालीस में से तैतीस गए तो तीस बचेंगे क्या यहाँ पे दाई यहाँ पे है बारह बारह में से इसमें कितने बचेंगे सत्ताईस ठीक है अब देखो जरा अब इसमें भाग करोगे नौ का यही हो जाएगा ना यहाँ पे करते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो कितना एक दो और तीन समझ आई क्यों नौ एक नौ नौ ठीक है तो इधर क्या आ रहा था इधर आपका चल रहा था एक्स का मान कितना था एक्स वाई जेड और देखिएगा तब आते हैं नीचे लो आता है एक्स बराबर कितना वन वन वाई बराबर कितना दो और जेड बराबर कितना थ्री सही हो गया सही बात नहीं है अब तुम्हें एक चीज पता चली ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद में एक दो तीन स्टेप आगे करनी तीनों को उठाओ समझ आई बात तो ये है
इन दोनों ही सवाल आते, दोनों में से चॉइस मिलेगी एक करने के लिए। आठ अंक क्लियर, अब इसमें कुछ नहीं मत कर लेना, इसमें क्या पता है। एक लाख परसेंट सवाल आएगा ही आएगा, समझ में आएगा। अब वो तान लें तो हम